एक चीज बताइए हाँ? कि पहली बार फ्लाइट में चढ़े जब आपको कैसा लगा था? मेरे को अच्छा लगा, मेरे को कौन गम था। मैं तो मानो तो फ्लाइट जाएगी तो सऊदी उड़ेगी, हाँ? सऊदी उतरेगी मैं निकल जाएंगे बाहर। अच्छा, मैं तो सऊदी गए नहीं, डायरेक्ट बहरीन गए, बहरीन से बस से आना पड़ा। मेरे क्या मतलब टिकट पे क्या क्या लिखा था अनपढ़ गंवार। तो मैं बोलूंगा पहले, उसके बाद में तुम्हारे मैं बोलूंगा, फिर उसके वो दो कैमरे है ना उसके सामने तेरे को देखना, डांस नहीं करना है। अच्छा नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप सऊदी कैसे गई सबसे पहले? मैं फ्लाइट से गया। तो सब फ्लाइट से सब जाते। हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, आई होप आप अच्छे होंगे। आज दोस्तों मेरे साथ है अलाउद्दीन भाई, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश से है और यहाँ पे ड्राइवर का काम करते हैं। लगभग 5 साल हो गए हैं और उससे पहले भाई साहब थे सऊदी में। तो ये सारे चीजें आप तक रखने वाला हूँ, कैसे इनका काम है और कैसे यहाँ आए, कैसे सऊदी गए थे, ये सारी चीजें आप तक एक सिंपल शब्दों में हम रखने का काम करते। आप अलाउद्दीन भाई सऊदी कैसे गए? मेरे को वीजा मिला, मैं चला गया। तो वीजा कैसे लिया? मेरा कैसे? दोस्त दिया। आपका दोस्त दिया? हाँ। यानी कोई वो एजेंट वाला कोई नहीं रोल नहीं था? नहीं कोई रोल नहीं था, नहीं सीधा वीजा मिला, आप चले गए। और क्या, फिर वहाँ पहले दिन गाड़ी कैसे चलाई? मैं गाड़ी चलाया नहीं 15 दिन, 1 महीना तो नहीं छाया, 1 महीना गाड़ी भी नहीं नहीं चलाई, सोया खाया घूमा आराम से। उसके बाद कपिल का सामना हुआ तो? कपिल का सामना तो होता था रोज डेली, तो खाली फिर घूमता था ले जाके, घुमाता था मेरे को। अच्छा, कपिल आपको गाड़ी सिखाता था? हाँ, चलो ऐसे चला ऐसे चला, 1 महीना मेरे को सिखाया गाड़ी। लोग तो बोलते हैं यहाँ गाड़ी नहीं सिखाते। नहीं, मेरे को सिखाता है गाड़ी, मैं झूठ क्यों बोलूं। अच्छा, वहाँ सऊदी में आप कितने रुके? 5 साल। 5 साल सऊदी? हम्म, यानी 5 साल सऊदी के और 5 साल इधर के, 10 साल हो गए और क्या, अरब कंट्री में। अरब कंट्री में 10 साल? 10 साल। 10 साल में क्या खोया क्या पाया? खोया कुछ नहीं, पाया बहुत कुछ, घर बनाया सब कुछ किया है। अब इंडिया में रह के कुछ नहीं कर सकते ना, यहाँ से अच्छा मिलता है पैसा, कमाई तो ना इंडियन भी है लेकिन बचता नहीं है, यहाँ बचता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि बाहर कंट्री में जाना अच्छा नहीं रहता है, खास तौर से अरब कंट्री में। तो आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ या उनकी कुछ ऐसा? सोच, उनकी सोच के ऊपर हम क्यों बोले, हमारा अच्छा चलता है, हमारा घर अच्छा है, हमारा इसलिए अच्छा है तो हम अच्छा बोलेंगे ना भाई। अगर कोई आपका वीडियो देख के ये बोलता है कि मुझे भी अरब कंट्री जाना है, कुवैत, सऊदी, कतर, बहरीन, कहीं भी, तो आप क्या बोलोगे उनको? लेकिन हाँ, कोई गुण सीख लो तभी आना, नहीं तो नहीं आना, सब बात है। या तो ड्राइवरी करो या तो कोई काम भी सीख लो तो आना, नहीं तो बकरी भेड़ चराने के लिए आओ। यानी बिना कुछ सीखे हुए आप आते हो तो आपकी लाइफ बहुत दिक्कत है, बर्बाद है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं रहेगा। अब हेल्पर में करोगे तो भी नुकसान है, हेल्पर में ज्यादा मेहनत करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग यहाँ सैलरी कितनी मिल जाती है स्टार्टिंग? नॉर्मली नॉर्मल में नया आदमी आएगा तो 80 KD मिलेगा, 80 KD खाना पीना देगा, 80 KD देगा खाना पीना। खाना वो अपनी मर्जी से खा सकता है या नहीं, वो उसके ऊपर है, बना भी सकता है, खा भी सकता है, उसके घर से भी खा सकता है, बना भी सकता है, वो अलग सामान देगा। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि हमें अरबी खाना तो देता है लेकिन खाना वो अच्छा नहीं होता है, तो अपने हाथे बनाओ, हम उसको हजम नहीं कर पाते। तो अपने हाथे बनाए खाओ, उसको अच्छा। बोलो सीधे मैं अपने हाथे बनाए खाएगा, तुम खाना जमा आपको सामान दो, अपने हाथे बनाएगा। और आप कुवैत कैसे आए? कुवैत मेरा गांव पे एक दोस्त था, वो ये सब काम करता था एजेंट में ना, मेरे से पटरी बहुत है, उसको बोला मेरे को जाना है कुवैत का वीजा दे, वीजा मिला मेरे को, भेज दिया। पटरी मतलब दोस्ती के लिए? अच्छा, मतलब बातचीत करता था, थोड़ा बातचीत ज्यादा अच्छी है, मतलब क्लोज फ्रेंड, कुछ भी मांगने के लिए कोई नाम नहीं बोलता। अच्छा, उसने आपको वीजा और दिया? बोला अच्छा घर है चले जाओ, इससे अच्छा घर नहीं मिलोगे इसलिए मैं आ गया था। अच्छा, यहाँ आ गए। जब आज से 5 साल पहले कुवैत आए थे तो आपका कितना पैसा लग गया था? मेरा लगा था 70-80 हज़ार, 70-80 हज़ार मेडिकल लेके सब कुछ लेके। उस समय मेडिकल ज्यादा लग रहा था, हालांकि 12 हज़ार के आसपास, क्योंकि उसमें उत्तु भी कराया था ना, PCC भी कराया था। अच्छा अच्छा, सब लेके। चलो दोस्तों, मैं आप तक ये वीडियो शेयर करने का मतलब है कि जो यहाँ लाइफ कैसी रहती है ड्राइवरों की, खास तौर से कुछ ड्राइवर आपसे झूठ भी बात करते हैं, लेकिन सच ये है। नहीं भाई, देखो ड्राइवरी में कोई भी 100% में तो 80% तो झूठ ही बोलेंगे, मेरा घर ऐसे नहीं ऐसे नहीं है, नहीं तुम घर चले जाओ, क्यों रुके हो, सब बात है, पैसा मिल जाए तुम बात कर रहे हो, नहीं काम जम रहा तो घर जाओ, दूसरे घर पे आओ। सबसे पहले एक चीज मैं भी बता देता हूँ और भाई भी यही बोलेगा कि आप यहाँ आओगे ना तो जो आप जिसके पास काम करते हो ना उसको समझना बहुत जरूरी है। सही बात है, बिना समझे कुछ और कुछ बोलो तो कुछ कर रहे हो तो कैसे जमेगा। और आसपास के लोग अगर आपको बोल दे आपका कपिल अच्छा नहीं है, यहाँ पे ड्राइवर टिकता नहीं है, तो
तो वो आपको तय करना है कि आपको सब्र करना है और सब्र के साथ हर चीज काम मेरे साथ ऐसे सऊदी हुआ ना, मैं सऊदी में गया, मेरे बाजू में दो दो आदमी थे, एक नेपाल का था एक हैदराबाद का, तो मेरा कपिल वो सही था, मनहूस था सऊदी में, मनहूस था, वो बोले ऐसा तो घर में आ गया, अच्छा नहीं है वो नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ऐसा निकला हो सब लोग उसका तारीफ कर रहे थे। अच्छा। तो कैसे घर में आ गया, ऐसा घर कहाँ से मिल गया, अच्छा मिल गया। अभी भी वो कोई हमको सऊदी वाला मेरे को अभी भी बुलाने के चांस में। अच्छा, भले ड्राइवर उसके पास बोलता उसको भगा दूंगा, वो आज लिए रेडी बोले तो अभी बीजे निकल के देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो आप उसको समझ जाओ और वो आपको समझ जाए तो आपकी लाइफ सेट है। अभी यहाँ पे मेरे आने से पहले मेरा एक टिकट बर्बाद हुआ, ठीक है, फिर बुड्ढा बोला घर पे जाओ, 15 दिन के बाद फिर 150 दिनार का टिकट निकाल के दिया, तक पैसे नहीं लिया। अच्छा। अब बोलो इससे बड़े बात कोई होता है, 150 दिनार बुड्ढा दिया टिकट का, और निकाल के टिकट भेजा, सब कुछ भेजा मेरे लिए, क्या चाहिए, पैसे भी नहीं लिए। तो दोस्तों कुछ चीजें होती है वो अपने दिमाग से काम में लेना होता है। साफ बात यह है, कोई कुछ भी बोलो काम अपना। और देखो नया बंदा आएगा, 1 महीना 2 महीना उसको कुछ पता भी नहीं होगा, तो क्या मतलब आपको कोई बात नहीं, आसपास कोई दोस्त लोग है उससे समझो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बोलो ठीक है मैं कोई और से मिलूंगा, बात करते हो जब बात खत्म। अगर आप यहाँ आके अरबी को बोलोगे कि मुझे काम नहीं करना है, मेरा हकामा दे दो, पासपोर्ट दे दो, मैं तो घर जाऊंगा, रहना नहीं है तेरे साथ, तो फिर काम जाहिर सी बात है आपका बिगड़ना है, क्योंकि जब पैसा वीजा पैसा लगता है फिर तो बिना वीजा नहीं निकलते। और दूसरी बात है कि पैसा कौन लेता पता है, जो यहाँ से आपको वीजा देता है ना वो पैसा लेता है, यहाँ पे अरबी पैसे नहीं लेते हैं सामने से, और पैसा भी देते हैं। हाँ, सामने से पैसे भी देते हैं, और वो ही पैसे कभी कभी आने वाले के लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि काम नहीं करना है, मेरे इतना केडी तेरे पे खर्चा आया वो दे दे और चला जा। और क्या, और कुछ कहना चाहोगे यूजर को? कुछ नहीं कहना, क्या है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। उड़ते वक्त अगर आपको बाहर गेट खोल दिया होता तो क्या करते हैं? तो मैं पहले थोड़ी तो बीच में बैठा, तो पहले आगे जोर होता उसको बहुत आती। मैं इनका थोड़ा सा रूम दिखाता हूँ ताकि आप समझ सको कि यहाँ पे ड्राइवर को कितनी सुविधा दी जाती है और ड्राइवर यहाँ कैसे रहता है, उनके रूम में क्या क्या उनको मिलता है। तो ये एक ऐसी लगी हुई है, ठीक है, उसके बाद में ये चाय बनाने के लिए एक थर्मस दिया गया है, पानी पीने के लिए ये एक थर्मस है, लाइट की सुविधा दी गई है जहाँ की अपना मोबाइल आराम से चार्ज कर सकता है, यहाँ पे एक चारपाई है जो आप देख सकते हो ऐसे ही है, यहाँ पे दो लाइटें हैं और यहाँ एक अलमारी है, और अलमारी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ रखी गई है वो इनके कपड़े, ये काजू किशमिश है जिसका मैं दीवाना हूँ, अक्सर इनके पास आके ये फ्री में खाता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी और अलमारी है, और इसी के ही अंदर इनको लेटरिन बाथरूम की भी, दोस्तों ये छोटा सा लेटरिन बाथरूम है, दो बाल्टी रखी हुई है। तो दोस्तों भाई का ये छोटा सा रूम है, हालांकि बहुत अच्छा है, और खाना ये रूम में नहीं बनाते हैं, जो अरबी लोग खाना देते हैं उसमें ही खुश रहता है, और मस्त बंदा है, भाई जैसे बंदे मिलने बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे बंदे। और आपको दिखा देते हैं इस तरह से खाना इनको दिया जाता है, चावल मुर्गी बिरयानी टाइप का, और साथ में सालन होता है, पेप्सी लबन भी। थैंक यू, नाइस मीटिंग।